नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ की ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति के बेहद चर्चित शख्सियत महिपाल मदेरणा की। राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने वाले महिपाल मदेरणा की छवि हमेशा से दबंग नेता के रूप में ही रही। पढ़ने में विशेष रुचि और सारे नियम कानूनों के जानकार होने के कारण अधिकारी उनसे हमेशा खौफ खाते थे। कांग्रेस की राजनीति में महिपाल हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे मुखर विरोधी रहे। कई मंच पर खुलकर गहलोत का विरोध उन्होंने किया था। महिपाल जब प्रदेश की राजनीति में तेजी से अपने पांव जमा रहे थे, लेकिन एक गलती ने न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर तबाह कर दिया बल्कि उनकी छवि भी बुरी तरह से धूमिल कर दी। उन पर ANM भंवरी देवी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा, फिर वे इससे कभी उभर नहीं पाए। इस केस में 10 साल सलाखों के पीछे रहे और इसी दौरान उनको कैंसर भी हुआ। राजस्थान की राजनीति में सबसे दबंग नेता रहे परसराम मदेरणा का ये गुण महिपाल को विरासत में मिला। कभी भी उन्होंने दबकर या किसी के पीठ पीछे की राजनीति नहीं की। जब भी बोले खुलकर बोले, किसी की बात बुरी लगी तो मुंह पर बोलने से भी कभी परहेज नहीं किया। इस कारण राजनीति में उनके कई विरोधी भी हो गए थे, लेकिन जमीन से जुड़े महिपाल ने कभी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा। इसके अलावा आपको बताएं कि महिपाल की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि बेहद पढ़ाकू रहे। हमेशा देर रात तक कोई ना कोई किताब उनके हाथ में रहा करती थी और यही कारण रहा कि सरकारी नियम उन्हें हमेशा कंठस्थ रहते थे। इसके चलते कोई भी अधिकारी उन्हें कभी नियमों की आड़ लेकर उलझा नहीं पाया। वे अधिकारियों को सारे नियमों की हाथों हाथ जानकारी देकर साफ कह देते थे कि इस नियम या कानून के तहत आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसे में अधिकारी उनके सामने जाने से भी कतराया करते थे। महिपाल शुरू से ही गहलोत के धुर विरोधी रहे थे। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में 19 साल तक जिला प्रमुख रहने वाले महिपाल की बहुत मजबूत पकड़ रही। गहलोत और महिपाल का राजनीतिक जीवन आगे पीछे ही शुरू हुआ था। उस दौर में परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़ और राम सिंह विश्नोई की तिकड़ी का ग्रामीण राजनीति में वर्चस्व हुआ करता था। ऐसे में गहलोत अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में जोधपुर शहर तक ही सिमटे रहे। ग्रामीण क्षेत्र में वे पूरी तरह से इन तीनों पर निर्भर थे। ऐसे में महिपाल ने भी अपने पिता के समान ही दबंगई के साथ गहलोत का खुलेआम विरोध किया। गहलोत जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में तीनों नेताओं पर अपनी निर्भरता खत्म करके पांव जमाना चाहते थे और यहीं से ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई थी। जोधपुर की जिला परिषद पर महिपाल मदेरणा का बरसों तक कब्जा रहा। वे 19 साल तक जिला प्रमुख रहे। उस दौर में जिला परिषद की बैठक बेहद चर्चित रहा करती थी। बगैर तैयारी के वे बैठक में पहुंचे अधिकारियों की शामत तक आ जाती थी। सदस्यों के किसी भी सवाल का यदि सही जवाब नहीं दिया गया तो महिपाल भरी बैठक में अधिकारियों को लताड़ते थे तो उनकी आवाज गूंजा करती थी। यहां तक कि लेट आने वाले अधिकारियों को बैठक में प्रवेश तक नहीं मिलता था। इतने डिसिप्लिन थे महिपाल। महिपाल हालात को भांपने में माहिर थे। इनकी वानगी वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले जोधपुर के बीसलपुर फांटे पर आयोजित एक जनसभा में देखने को मिली थी। उस समय मुख्यमंत्री गहलोत की उपस्थिति में महिपाल ने मंच से खुलेआम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वे राज्य सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों और खुलकर बोलें, नहीं तो प्रदेश में कांग्रेस की हार तय है। उन्होंने गहलोत की तरफ इशारा करके साफ कह दिया था कि आपकी सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, उनके काम नहीं होते हैं। गहलोत चुपचाप बैठकर सुनते रहे थे। मुख्यमंत्री के सामने ही विरोध का साहस करना महिपाल के अंदर था। मंच से बोली गई बात के बाद 2003 के चुनाव में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई थी और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री चुने गए। महिपाल को भी मंत्री बनाया गया। वे जल संसाधन और जलदाय विभाग के मंत्री बनने को अड़ गए थे। गहलोत उन दोनों में से कोई भी एक विभाग देने को राजी थे। वैसे अड़े कि उन्होंने कह दिया कि यदि दोनों नहीं थे तो वो मंत्री ही नहीं बनेंगे और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गहलोत जी को झुकना ही पड़ा। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे इनकी शुरुआत और अंत एक समान ही रही थी। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब है, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा,
और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिपाल मदेरणा ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन वो कभी घबराए नहीं। जयपुर के एक हॉस्टल में 3 फरवरी 1970 में पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के भतीजे दिलीप सिंह पर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया था। इसके 10 दिन बाद दिलीप सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में विजय पूनिया और महिपाल मुख्य आरोपी बनाए गए थे। बरसों लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वे इस मामले से बरी हुए थे। इस घटना ने उन्हें काफी हद तक बदल दिया था, लेकिन तेवर वही के वही बरकरार रहे। 18 साल की उम्र में कानूनी पेचीदगियों में उलझने के बाद वो काफी परिपक्व हो गए थे। उनके राजनीतिक जीवन का अंत भी भंवरी देवी हत्या के मामले के साथ हुआ। इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए महिपाल को 10 साल तक जेल में रहना पड़ा और उनके राजनीतिक जीवन पर विराम लग गया। जेल में रहते हुए उन्हें कैंसर हुआ और कैंसर का इलाज कराने वो बाहर तो आए, लेकिन फिर उन्हें कोरोना ने जकड़ लिया। कोरोना से तो वो उभर गए, लेकिन कैंसर को ये राजनीतिक लड़ाका मात नहीं दे पाया। कैंसर के अस्वस्थ होने के बावजूद महिपाल ने हाल ही में संपन्न हुए जोधपुर जिला परिषद के चुनाव में एक्टिव होकर काम भी किया था। उनकी बेटी और ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने बाहर से मोर्चा संभाला तो घर में रहकर ही उन्होंने कमान संभाली थी। एक वक्त जब गहलोत के करीबी पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की बेटी मुन्नी गोदारा को जिला प्रमुख बनाने की बात चली थी, तो उन्होंने ऐसी बिसात बिछाई कि दूसरे खेमे को आखिरकार शिकस्त ही झेलनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पकड़ के चलते लीला मदेरणा को जिला प्रमुख बनवाकर ही उन्होंने दम लिया था। तो ऐसे थे महिपाल मदेरणा। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही और रिपोर्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।